इस चीज को लेकर कभी कभी इंडिया में हमें थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है जब हम वापस जाते हैं, पर इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लॉजिकली ना देखो कि यार कोई नहीं है, सन्नाटा पड़ा तो लोग निकल जाते हैं। और अगर तुम्हें कोई फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच भी देखना है तो तुम ये बोल देते हो कि नहीं यार हमारे पास आज टाइम नहीं है। तो जैसा कि टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा, आज का वीडियो जो है कि जर्मनी ने हमें कितना चेंज कर दिया या यहाँ आके हम कितने चेंज हो गए, टॉपिक उसी के बारे में है। हमने बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में थोड़ा बात करी कि किस किस जगह हम लोग चेंज हो गए हैं यहाँ आने के बाद। तो हमें ऑलमोस्ट 5 साल हो गया है जर्मनी में रहते रहते, तो इंडिया में कुछ और था और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज हो गई। तो वीडियो में आज हम लोग वही बात करेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला पॉइंट है वो है पंचुअलिटी। ऑफ कोर्स पंचुअलिटी के बारे में आपने सुना होगा कि जर्मन जो है वो बहुत ज़्यादा पंचुअल होते हैं, एंड ये बात बहुत ही ज़्यादा सही है कि पंचुअल होते हैं। टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ना ये लोग बहुत ज़्यादा जल्दी कहीं जाते हैं ना बहुत ज़्यादा लेट जाते हैं। और सेम चीज़ हमने अडॉप्ट कर ली, हम इंडिया में बहुत सारी चीज़ें में टाइम पे जाते थे, जैसे कोई इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, मीटिंग्स हो गई, इन सब में तो हम भी टाइम पे रहते थे। लेकिन जैसे फ्रेंड्स के पार्टी में जाना है या आउटिंग है, उसमें हम लोग इतना टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। और बहुत बार ऐसा होता था कि गाड़ी में रहते थे या घर में रहते थे और बोलते थे अरे यार बस पहुंच गए, हम पहुंच गए, मतलब टाइम पे नहीं पहुंचते थे, कभी कभी आधा घंटा एक घंटा लेट पहुंचते थे। बट यहाँ आके इवन अगर हम फ्रेंड्स के यहाँ भी जाते हैं तो एक तो वो जो हो गई ऑफिशियल वाली, वहाँ तो ऑफकोर्स टाइम को जो है बहुत ज़्यादा हमने अडॉप्ट कर लिया है। अदर देन दैट अगर कोई भी इवेंट हो एक्स वाई जेड, उसमें हम लोगों के लिए पंचुअलिटी जो है या ऑन टाइम पे कहीं पर भी पहुंचना जो है वो बहुत ज़्यादा हमने अपने आप में अडॉप्ट कर लिया है। इस चीज़ को लेकर कभी कभी इंडिया में हमें थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है जब हम वापस जाते हैं, क्योंकि इंडिया में 10-15 मिनट की कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती एटलीस्ट नॉर्मल लाइफ में, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट स्टिल हमें लगता है ये बहुत अच्छा चेंज है जो हमारे अंदर आया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जर्मन्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट होते हैं, और ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये हमने भी जो है वो अडॉप्ट कर ली कुछ टाइम के बाद। पहले बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता था कि यार छोटी छोटी चीज़ों में इतना डायरेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं होता, पर्टिकुलर चीज़ों में आप डायरेक्ट नहीं होते हो। जैसे कि अगर आपसे कोई फ्रेंड बोले कि यार मुझे बहुत ज़रूरी कोई काम है और क्या तुम्हारे पास टाइम है, और अगर तुम्हें कोई फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच भी देखना है तो तुम ये बोल देते हो कि नहीं यार हमारे पास आज टाइम नहीं है, कल मिलेंगे या कल मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट लगता था और लगता था यार ये बहुत ही वियर्ड सिचुएशन आ गई है। बट एट टाइम्स अब यहाँ रहने के बाद लगता है कि हाँ यार वो अच्छी चीज़ है, डायरेक्ट मीन्स अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना, तो ये सिचुएशन ऐसी नहीं होती बीच वाली कि हाँ भी बोल रहे हैं तो ना भी है एंड सो वाली। तो ये चीज़ हमने भी अडॉप्ट कर ली है जो ऑफिस या वर्किंग कल्चर में, तो ये बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर ली है कि अगर आप कोई काम कर सकते हो तो बोलोगे हाँ, और नहीं करना चाहते हो या नहीं कर पाओगे विद इन टाइम लाइन्स तो बोल दो ना। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप किसी को टांग नहीं रहे हो या आप किसी को फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं दे रहे हो। दूसरी चीज़ इवन विद फ्रेंड्स के साथ, और अब 5 साल में ये सारे चेंजेस आ गए हैं तो हो सकता है कभी कभी लोगों को वियर्ड भी लगे, बट क्या करें यार यहाँ पर रहने के बाद ये सारे चेंजेस जो हैं वो थोड़े थोड़े आ गए। बट अभी भी हम उतने डायरेक्ट नहीं हुए हैं जितने यहाँ के लोग जो हैं वो डायरेक्ट होते हैं, बट स्टिल कुछ कुछ चीज़ों में हम भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो गए और ये हमने अडॉप्ट कर लिया। तो टू ऐड ऑन दिस पॉइंट, एक चीज़ जो कि बहुत ही वियर्ड लगती थी अब खुद अडॉप्ट कर ली, वो ये थी कि वर्किंग कल्चर में भी जैसे इंडिया में आप नो नहीं बोलते हो किसी भी काम के लिए, आपसे हो पाए या ना हो पाए आप नहीं नो बोलते हो, पर यहाँ पर इवन इंटर्न्स या जिसने अभी अभी ज्वाइन किया होता है और वो प्रोविजन पीरियड में होता है वो भी नो बोल देता है, जो लगता था यार ये नो कैसे बोलते हैं। बट ऑफकोर्स यहाँ बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट है सब चीज़, यस को यस बोला जाता है, नो को नो बोला जाता है। तो हमारे केस में लाइक मेरे केसेस में भी एक एग्जाम्पल ऐसा है कि जब मैंने इनिशियली ज्वाइन किया था तब मुझे कुछ काम नहीं आता था, एंड देन मैंने डायरेक्टली मुंह पे बोल दिया था कि यार ये अभी तो मुझे नहीं आता है पर हाँ ठीक है हम कोशिश कर सकते हैं इसको करने की। तो ये एक चीज़ जो थी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थी, बट देन विद टाइम्स जो है वो अडॉप्ट कर ली और अब लगता है इट्स अ वेरी गुड अडॉप्टेशन कि आप यस को यस बोल रहे हो और नो को नो बोल रहे हो। तो एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रूल्स फॉलो करना। ऑफकोर्स रूल्स इंडिया में भी लोग फॉलो करते हैं, पर हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, हम भी बहुत सारे करते थे पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करते थे।
मतलब जाने अनजाने में, फॉर एग्जांपल कहीं हम बहुत आइसोलेटेड जगह पे हैं, कोई एक सिग्नल है साइलेंट सा जहाँ पे कोई नहीं है, रात के 2 बज रहे हैं, तो वहाँ पे इतना ध्यान नहीं देते थे, स्पेशली जंप कर दिया सिग्नल के, पता है अब कोई नहीं है रात में, सन्नाटा पड़ा हुआ है, वो चीज़ अब यहाँ नहीं होती। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पैदल भी चल रहा हूँ ना और सिग्नल ग्रीन है पैदल क्रॉसिंग के लिए, तो भी वेट सॉरी रेड है तो भी खड़े होकर वेट करते हैं कि यार ये ग्रीन होगा तब निकलेंगे, चाहे सन्नाटा पड़ा है दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो रेड है, कोई गाड़ी नहीं है फिर भी हम खड़े हैं, तो उस लेवल की चीज़ें आदतें बदल गई हैं अब, जो कि होनी चाहिए, ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट है, पर इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप लॉजिकली ना देखो कि यार कोई नहीं है सन्नाटा पड़ा तो लोग निकल जाते हैं, पर यहाँ पर नहीं होता, तो वो चेंजेस आ गए हैं। एक कि ये एक एग्जांपल है, इस तरह के कई एग्जांपल हैं कि रूल्स को इतना ज़्यादा दिमाग में वो बैठ गए हैं कि फॉलो करना है, तो काइंड ऑफ कभी कभी हमें शॉकिंग लगता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, पर अगेन नॉट गोइंग इनटू सही गलत, पर ये चेंजेस हमारे अंदर आया, बहुत ज़्यादा हम रूल्स को फॉलो करने लग गए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के हों, मतलब पब्लिक हों, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हों, इवन लोगों के घरों में कुछ सिस्टम्स हैं यहाँ पर बेस्ड हैं, वो सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ों को फॉलो करने लग गए हैं, एक प्रोसेस बेस्ड ओरिएंटेड हो गया है, जो यहाँ पे एक प्रोसेस चलती है किसी भी चीज़ को लेकर, उसे फॉलो करने की आदत पड़ गई है, कोई भी काम करना है उसमें एक वो अप्रोच बन गई है प्रोसेस को फॉलो करने वाली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं प्लानिंग की बात करूँ तो उसमें प्लानिंग में भी इतने लाइफ में चेंजेस आ गए हैं, हम इतना लंबा लंबा प्लान करने लग गए हैं जो कभी नहीं करते थे। मैं पर्सनली कभी नहीं करता था इंडिया में कि मैं एक साल बाद के हॉलीडेज़ अभी से प्लान कर लूँ, वो भी डेट के हिसाब से कि मैं नेक्स्ट ईयर 29 अगस्त से लेके और इस डेट तक गायब रहूँगा, नहीं होता था, मतलब बड़ा रेंडमली होता था यार कि 2 वीक की छुट्टी चाहिए, पर सडनली लेते थे। पर यहाँ इतनी लंबी लंबी प्लानिंग होने लगी एक डेढ़ दो साल बाद की, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना कुछ होगा, तो वो एक चेंज आया है, पॉजिटिव नेगेटिव अगेन आई डोंट नो, पर ये सारे माइनर चेंजेस आए हैं लाइफ में। तो एक और मेजर जो चेंज आया लाइफ में वो आया है यार कि मैंने पर्सनली आउटडोर्स को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, जो मैं इंडिया में नहीं करता था मैं पर्सनली, क्योंकि हमारे कहीं भी ट्रैवल प्लान होते थे तो सुबह 5 बजे निकलो वरना ट्रैफिक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस चक्कर में फिर मेरे से होता ही नहीं था कि मैं उठूं और जाऊं। पर यहां पे वो चीज़ थोड़ी ईजी है कि आप किसी भी टाइम पे जाओ, आपको मतलब ट्रैफिक का इतना इशू नहीं है, मतलब चीज़ें सही हैं, थोड़ी सिस्टमेटिक हैं, उस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय करना शुरू कर दिया नेचर में रहना। और एक जो बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया जो आना भी चाहिए वो है कि अगर आप कहीं जाते हो रेस्टोरेंट में तो लोग अपना अपना सेपरेटली ऑर्डर करते हैं और पे करते हैं। ये मेरे साथ इंसिडेंट हुई थी जब मैं आया था पहली बार जर्मनी में, तो हमारे कुछ ऑफिस की पार्टी चल रही थी, कुछ लोग थे बाहर आउटडोर मिले थे हम लोग, और मैं थोड़ा लेट पहुंचा तो वहाँ पर ऑर्डर किया हुआ था, तो कुछ फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह रखे हुए थे और मैं जाके मैंने सीधा खाना स्टार्ट किया। बाद में मुझे पता चला कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो किसी और ने ऑर्डर किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मुझे लगा यार ये कॉमन स्नैक टाइप है कुछ के सभी के लिए होगा, बाकी सब अपना अपना बाद में ऑर्डर करेंगे जो भी है। पर क्योंकि जब मैं इंडिया से आया तो वहाँ बड़ा कॉमन था कि साथ में बिल पे कर देते थे और बाद में सेटल कर लेते थे, पर यहाँ पर वो चीज़ डिफरेंट है, यहाँ पर सब एट द मोमेंट रेस्टोरेंट में जाके अपना अलग अलग ऑर्डर करते हैं और अलग अलग ही बिल पे करते हैं। तो जब वेटर आता है वो पूछता है साथ में पे करना है या अलग अलग, तो लोग बोल देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है अब मेरे अंदर, और स्पेशली अगर मैं आपको भी बता दूं कि अगर यहाँ पर कोई आपको पार्टी के लिए बोल रहा है तो आप अपना वॉलेट लेके जाना, वॉलेट मत भूल जाना, क्योंकि पार्टी के लिए कोई बुला रहा है डजंट मीन कि वो पे करने वाला है, पे आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है अब कि उस तरह का माइंडसेट बन गया है कि यार आप कहीं जाते हो तो आपको पता है कि मतलब सबका सेपरेट ही चलना है, विच इज़ गुड एक तरह से। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फ्रोजन फूड खाना। मुझे याद नहीं है कि मैंने इंडिया में कभी भी फ्रोजन फूड खाया है, लेकिन यहाँ आके एक डेली लाइफ का जो है वो हिस्सा हो गया है फ्रोजन फूड खाना, चाहे वो समोसा हो गया, समोसा हम लोग इंडियन स्टोर से फ्रोजन लेके आते हैं, चाहे वो पिज्ज़ा हो गया, चाहे वो नॉर्मल स्नैकिंग हो गई, वो सब चीज़ें जो है वो फ्रोजन खाना स्टार्ट कर दिया, जो ऑफकोर्स अच्छी नहीं है क्योंकि इंडिया में तो आप जाओ और ठेले पे आप बाहर निकलो आपको ठेले पे मोमोज मिल जाएंगे, समोसे मिल जाएंगे, चाय मिल जाएगी और सारा स्ट्रीट फूड मिल जाएगा, पर बिकॉज़ यहाँ मिलता नहीं है और बनाना इतना ईजी नहीं है तो ऑफकोर्स हम लोगों को एक ही जो है वो ऑप्शन है वो है फ्रोज़न फूड खाना, जो कि अडप्ट कर लिया और यहाँ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पर जो लोग जैसे इवनिंग में जो
खाना खाते हुए दे प्रेफर टू ईट लाइक पिज्ज़ा एंड कोक या कोल्ड ड्रिंक बियर के साथ, ये बहुत ही कॉमन है। और ये जो पिज्ज़ा होता है ये जनरली रेस्टोरेंट से नहीं लेते हैं, बल्कि जो ग्रॉसरी स्टोर है और जो फ्रोज़न पिज़्ज़ा है, जो भी उनके लाइकेबल पिज़्ज़ा है वो ख़रीदते हैं। तो ये चीज़ तो हमने अडॉप्ट कर ली है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंश्योरेंस। तो जर्मनी जो है वो बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस बेस्ड कंट्री है, मतलब बहुत सारे इंश्योरेंस लोग लेते हैं, हर एक चीज़ पे इंश्योरेंस लेते हैं, जो कि एक बहुत सही बात है। तो इस हद तक तो मैंने नहीं लिए हैं या हमने नहीं लिए हैं, पर हमने बहुत सारी चीज़ों में इंश्योरेंस लेना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस लेने लगे, जैसे फ़ोन का इंश्योरेंस है, ड्रोन का इंश्योरेंस है, लीगल इंश्योरेंस है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, इसके अलावा भी कुछ इंश्योरेंस होंगे जो हमने लिए हैं। तो ये जो है वो अडॉप्ट कर लिया। ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ डैमेज हो गई है, हमसे किसी चीज़ डैमेज हो गई तो वो कौन भरपाई करेगा, इसके चक्कर में हमने भी इंश्योरेंस ले लिए। जबकि इंडिया में जो था मुश्किल से आई थिंक एक ही इंश्योरेंस था, एक तो कंपनी की तरफ से जो था वो हेल्थ इंश्योरेंस वो था, उसके अलावा सिर्फ कार का जो इंश्योरेंस लिया था वो था। नेक्स्ट चीज़ भाई, पेशेंस लेवल हमारा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम हर चीज़ के लिए वेट करने को तैयार हैं एक साल भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, अभी हम लोग अपनी बेटी के लिए कीटा ढूंढ रहे थे जो कि एक साल बाद हमें मिलेगा, और उसका जो भी प्रोसेस है या जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हमने अभी से ही स्टार्ट कर दी है, ताकि एक साल बाद हमें कीटा मिले और उसके बाद हम किंडरगार्टन के लिए भी जो है वो प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ये एक छोटी सी बात है, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमने वेट करना भी चालू कर दिया, वेटिंग फॉर एवरीथिंग, बिकॉज़ यहाँ पर हर चीज़ें स्लो होती हैं और हम भी उस सिस्टम का जो है वो पार्ट बन गए हैं। पहले बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था, लगता था कि यार चीज़ें जल्दी हो प्लीज़ यार, बहुत जल्दी हो, पर अब ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, चलो यार हो जाएगी, एक दो साल में तो हो ही जाएगी। जैसे चाहे आप लैंग्वेज सीखने की बात करो या अपना CV बिल्ड करने की बात करो, ये लोग बोल देते हैं 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, तो वो तो चलो ठीक है, एक्सट्रीम केस हो गया, बट नॉर्मल जो ऑफिशियल प्रोसेसेस हैं उसके लिए वेट करना, या अगर आपने ऑफिस का आपका कोई काम है और अगर आपका कलीग बोलेगा कि यार हम मुझे ये काम करने में 15 दिन लगेंगे, 15 दिन इज़ सो मच राइट, जो इंडिया में तो मेरे को लगता था ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, पर यहाँ लगता है कि ठीक है यार वेट कर लेंगे इतना। तो ये भी चीज़ जो है वो मैंने विद इन टाइम्स जो है वो अडॉप्ट कर ली है यहाँ पर। अब मेरे लिए हॉलीडेज़ जो है वो हॉलीडेज़ हैं। अब आप बोलोगे हॉलीडेज़ तो हॉलीडेज़ ही होती है ना, हाँ हॉलीडेज़ होती हैं, पर इंडिया में जब मैं किसी हॉलीडे पे जाती भी थी तो एक तो मुझे मतलब भी नहीं पता था, क्योंकि मैं अपना लैपटॉप हर जगह लेके जाती थी, इवन मेरी शादी में भी मैं अपना लैपटॉप लेके गई थी कि कुछ काम आ सकता है। और हॉलीडेज़ इज़ नॉट अ हॉलीडे, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं थी, और मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था कि यार हॉलीडे क्या होता है। पर यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 30 डेज़ का हॉलीडे होता है और हम बहुत अच्छे हॉलीडेज़ प्लान करते हैं, चाहे वो इंडिया में हम जाएं फॉर अ मंथ या फिर यहाँ पर हम छोटे छोटे ट्रिप्स प्लान करें, लाइक वीकेंड ट्रिप हो गया, उसमें हमने एक दो दिन का हॉलीडे ले लिया तो रिलैक्स करते हैं विदाउट वरिंग अबाउट कि यार हमारे पास ऑफिस का लैपटॉप है या नहीं, या कुछ काम तो नहीं आ जाएगा। ये एक बिकॉज यहाँ का कल्चर ऐसा है कि आपको हॉलीडेज़ जो होती हैं वो हॉलीडेज़ ही होती हैं, और उसमें आपको हॉलीडे ही करना पड़ता है, और उसकी वजह से हमने अडॉप्ट कर लिया। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा काम से ओवरलोड हो जाते हो तो यू नीड अ हॉलीडे, और वो जो हॉलीडे आपको मिलता है उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये चीज़ जो है वो हमने अडॉप्ट कर लिए। तो अब हम प्लान भी, जैसे दीपक ने पहले बताया था, बहुत पहले से प्लान कर लेते हैं, प्लस हॉलीडे को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। तो ये थे सारे चीज़ें जो हमारे अंदर चेंज आई है 5 ईयर्स में जर्मनी में रहने के बाद। ऑफकोर्स हर एक कंट्री डिफरेंट होती है, डिफरेंट कंट्रीज़ के अलग अलग चेंजेस आते हैं, हमारे अंदर ये सारे चेंजेस आए, आपके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए होंगे किसी कंट्री में रहने के। अगर आपको कोई पॉइंट्स इसमें ऐड करना है तो डू कमेंट, हम लोग देखना चाहेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।